જૈન કેમ છો? મજામાં છો? વેરી ગુડ. સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી ચલ રહી હમારી, ઓર લાસ્ટ ક્લાસ કે અંદર હમને RS નોમેનક્લેચર દેખા, DL દેખા, ઓર આજ હમ કુછ નયા સીખેંગે. નયા ક્યા હૈ આજ કી ક્લાસ કે અંદર? આજ કી ક્લાસ કે અંદર નયા યે હૈ કી આજ હમ જો હૈ સોહાર્સ ઓર ન્યુમાન પ્રોજેક્શન દેખેંગે. ઠીક હૈ? અબ યે હમ પઢ ક્યો રહે હૈ? સબસે પહેલી ચીઝ તો વો ઇસલી પઢ રહે હૈ કી જો 3D સ્ટ્રક્ચર હૈ उसको हम 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये दो प्रोजेक्शन के हेल्प से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे प्रॉब्लम कि 3D स्ट्रक्चर को 2D में कैसे मेंशन करेंगे. इससे पहले हमने वेज डैश भी देखा है और फिशर भी देखा, तो आज फर्स्ट लेते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन. हेडिंग क्या हुई हमारी? न्यूमान प्रोजेक्शन. तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहली चीज आपसे पूछे क्यों पढ़ रहे हैं, बोला हमारे सिलेबस में क्या करें, पढ़ना पड़ रहा है. नहीं, अगर आपका ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है तो ये न्यूमान और सोहार्स 3D रिप्रेजेंटेशन जो है 2D में कैसे करते हैं आना चाहिए. ओके, चलो न्यूमान प्रोजेक्शन. सबसे अच्छी चीज इस टॉपिक की थ्योरी नहीं, सब कुछ हवा में चलेगा. ठीक है, अब हवा में कैसे चलेगा वो देखिए. अब सबसे पहले जो है इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि न्यूमान प्रोजेक्शन होता क्या. मैंने बनाया CH3 एथेन और मेरे को इसको क्या करना है, इसका न्यूमान बनाना है. ओके, तो एक्चुअली न्यूमान प्रोजेक्शन जो है फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन क्या है, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन. कैसे? ऐसे देखिए. कैसे? सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमको समझने में हेल्प मिलेगी कि कैसे. तो सबसे पहले आप क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर लें जैसे अभी मैंने किया है और इसके बीच में एक डॉट रिप्रेजेंट कर लें. दोनों के दोनों क्या है, एक सर्कल और एक डॉट. ये दोनों डॉट और सर्कल दोनों कार्बन है. ओके, ठीक है. और यहां से 3 वैलेंसी निकल रही और इस सर्कल से भी 3 वैलेंसी निकल रही. डॉट से 3 वैलेंसी और सर्कल से भी 3 वैलेंसी निकल रही. मैंने क्या बोला, डॉट और सर्किल दोनों ही कार्बन एटम है. ओके, फिर हमने क्या करा, डॉट से 3 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए और सर्कल से भी 3 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए अलग अलग फॉर्म में. ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4. तो ये जो कार्बन है डॉट वाला इस सर्कल से क्या है, अटैच है, एक बॉन्ड दे रहा, तो फोर्थ बॉन्ड आपके ऐसे हो जाएगा. तो अब हम इसको समझते हैं कि हमने क्या किया. मैंने क्या बोला, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन. मान लीजिए एथेन का स्ट्रक्चर ले लिया और ये हमारा एथेन है. कैसे, ये जो दो ब्लैक बॉल है हमारी, ये वाली जो मैंने इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है, ये वाली, ये जो है कार्बन कार्बन. ओके, बाकी की इसकी जो 3 वैलेंसी अब आपको दिख रही है, ये और जे. जे क्या है आपके, हाइड्रोजन. ओके, इधर जे 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 और जे भी क्या है. मैंने बोला फ्रंट व्यू, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं फ्रंट से देखूंगा ऐसे, तो आपको पीछे वाली बोल क्या है, नजर नहीं आएगी अगर एक दूसरे के जस्ट सामने है तो. ठीक, पीछे वाली बोल नजर नहीं आएगी, ये वैसी नजर आएगी जैसे मैंने बना रखा. तो हमने साइड में करके बना रखा ताकि पीछे वाले बॉन्ड भी रिप्रेजेंट हो जाए. अब सुनिए कि आगे वाली बोल को डॉट से और पीछे वाली कार्बन को मैंने सर्कल से क्यों रिप्रेजेंट किया. तो देखिए, कभी भी हम जब लाइन बनाते, क्यों स्कूल के अंदर प्रेयर किया हम लोगों ने, तो क्या करते हैं, सबसे छोटा बच्चा जो हाइट में, जो छोटा स्टूडेंट है जिसकी हाइट कम है, उसको आगे आगे लगाते, फिर थोड़ा सा बड़ा उससे पीछे, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है उनको पीछे करते जाते हैं ताकि छोटा वाला जो है उससे पीछे वाला दिख सके, तो सारे स्टूडेंट एक साथ दिख सके. बड़ा वाला स्टूडेंट आपने खड़ा कर दिया लाइन के अंदर, आगे आगे तो पीछे के तो दिख ही नहीं पाएंगे, शैतानी करते रहेंगे. तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया है कि फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन है हमारा ये ऐसे. तो फ्रंट व्यू का मतलब ये हो गया कि जब हम सामने से देखेंगे तो पीछे वाला कार्बन तो नजर ही नहीं आएगा. तो फिर हमने क्या किया, पीछे वाले कार्बन को हमने बड़ा कर दिया सर्कल फॉर्म के अंदर
और आगे वाले कार्बन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे लाइन में कॉन्सेप्ट होता है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये दो फॉर्म कैसे बनाया है, तो ये दो फॉर्म इसलिए बनाई है, एक तो है एक्लिप्स यानी बॉन्ड, ये एटम एक दूसरे के आगे ऐसे, एक दूसरे के आगे ऐसे, एक दूसरे के आगे ऐसे। जब ऐसी फॉर्म में होगा आपका न्यूमान प्रोजेक्शन, तब हम इसे क्या बोलेंगे, एक्लिप्स फॉर्म। कैसी फॉर्म बोलेंगे, एक्लिप्स। एक्लिप्स फॉर्म हो गई हमारी, और ये कैसे हो गई, स्टेगर। स्टेगर्ड फॉर्म हो गई हमारी ये। तो ध्यान रखेंगे, जब भी बॉन्ड एक दूसरे के आमने सामने हो या एटम एक दूसरे के आमने सामने, ऐसे इस बॉल के सामने ये वाला, इस एटम के सामने ये वाला, और इस एटम के सामने ये वाला, यानी कहने का मतलब ऐसे, तो हम इसे बोलेंगे एक्लिप्स। एक्लिप्स का मीनिंग क्या है, ग्रहण एक दूसरे के सामने। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि ये कुछ एंगल बना ले इस तरह से, देखिए इसको देखिए गौर से, जो बॉल मैंने पकड़ रखी है वो तो हमें नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि ये वाली बॉल इसके आगे आ रही है, इसलिए हमने आगे वाली को छोटा कर दिया डॉट से, पीछे वाले को सर्कल से बड़ा कर दिया, पीछे वाला दिख रहा है। लेकिन अब हम क्या समझ रहे हैं कि स्टेगर्ड क्या होगा, स्टेगर्ड फॉर्म होगा कि इन बॉलों के बीच में या इन एटम्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में एंगल आ गया। देखिए आ गया, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टेगर्ड। इसको समझने का सबसे अच्छा है कि ये और ये एक दूसरे के कैसे हुए, एंटी हो गए, तो हम इसको समझ सकते हैं कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल स्टेगर्ड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं, ये तो स्केलेटन है कि न्यूमान प्रोजेक्शन कैसा होता है, हमने समझ लिया कि ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अंदर हम क्या लें, एग्जाम्पल के अंदर हम ले लेते हैं एथेन, एथेन क्या लेंगे, एथेन, एथेन का फॉर्मूला बिल्कुल CH3 और CH3। चले आगे, अब इसका हमें क्या बनाना है, न्यूमान। तो क्या करना है, दो न्यूमान प्रोजेक्शन बनते हैं, एक कौन सा फॉर्म होता है, और एक क्या बना, वेरी गुड। हिंदी में से बोलते हैं ग्रसित और इसे बोलते हैं सांत्रित, मैं चाहूंगा आप इंग्लिश में इसे देखें, ठीक है। अब आगे इसका मेरे को बनाना है एक्लिप्स। तो मैंने क्या बोला कि डॉट और ये सर्किल कार्बन है, यानी दो कार्बन हो गए हमारे स्ट्रक्चर में, दो ही कार्बन है, यानी कहने का मतलब है दोनों कार्बन हो गए। अब इसकी आगे वाले की तीन वैलेंसी, पीछे वाले कार्बन की तीन वैलेंसी किससे फुलफिल होगी, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन ही बचे अब तुम्हारे, हमने हाइड्रोजन मेंशन कर दी, इधर भी आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ऐसी ऐसी सारे के सारे सेंटर से लगा दें, क्या बनाए ये, कार्बन की वैलेंसी फोर ही होती है ना, हाँ हमें नोबेल प्राइज नहीं लेना है, फोर ही रखनी वैलेंसी, तो आप जैसे बताया वैसे ही करना है हमें। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक्लिप्स और स्टैंडर्ड, किसका, एथेन का। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड, वो हम क्या लेंगे, प्रोपेन, और प्रोपेन क्या होता है, तीन कार्बन रहेंगे इसमें, एट। अब ये प्रोपेन हमारे सामने है, इसका हमें क्या बनाना है, न्यूमान बनाना है। तो न्यूमान एक्लिप्स और स्टैगर्ड बना लीजिए पहले, सबसे पहले आप हमारे सामने बने हुए हैं, तो यही ले लेते हैं हम दोबारा से। तो क्या करा, सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बीच में एक डॉट लगाना है, दो कार्बन हो गए, ठीक है। और एक्लिप्स बनाना है, तो एक्लिप्स के लिए आप ऐसे कर लीजिए, मैं इसमें गैप इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा सा, वैसे तो जस्ट पीछे की तरफ होता है ये दोनों, ये जो बॉन्ड है वो जस्ट पीछे की तरफ होते हैं, कैसे, ऐसे मान लीजिए दो बॉन्ड है तो एकदम जस्ट पीछे की तरफ होंगे ऐसे, तो दिख रहा है पीछे वाला ब्लैक, नहीं दिख रहा ना, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूँ ताकि हमें दिख सके कि क्या स्ट्रक्चर है, ओके।
अब बात करते हैं तीन कार्बन है, तो एक तो डॉट हो गया ये वाला, एक ये सर्किल हो गया और एक क्या हो गया, एक लिख देते हैं सी एच थ्री। कितने कार्बन हो गए? बिल्कुल, कितने हो गए? तीन। सी एच थ्री, आपकी चाप सी एच थ्री कहीं पे भी लगाए, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपके सामने है। एक्लिप्स में ये जो दो बॉन्ड है, ये वाले और ये वाले, ये वाले, वो कुछ ऐसे होते हैं। देखिए बॉन्ड के ब्लैक वाला पीछे रख रहा हूं मैं, अब आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको ऐसे बनाया ताकि आपको दिख सके कि दो बॉन्ड है। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमने क्या बना लिया, दो एग्जांपल ले लिए, प्रोपेन के एक्लिप्स और स्टैगर्ड हमने बना लिए हैं। वैसे कार्बन इंक्रीज होगा तो हम देखते रहेंगे। अब इसको कैसे और देख सकते हैं, तो इसके अंदर देखिए क्या है, ये तो हमारा क्या खत्म हो गया, निमा इसके अंदर और कुछ है नहीं, यही हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए, देखिए एक्लिप्स में क्या होगा, बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट आमने सामने ऐसे, तो इनमें रिपल्शन होता है एक्लिप्स में, एक्लिप्स स्ट्रक्चर की बात करो। जबकि स्टैगर्ड जो मेरे जस्ट पीछे ये वाला, इसके अंदर बॉन्ड क्या होते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन कम होगा, तो ये कंपैरेटिवली इससे क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। जब बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, जैसे अब सी एस थ्री आ गया, मैं ब्यूटेन का बनाऊंगा तो एक कार्बन और इंट्रोड्यूस करूंगा मैं इसके अंदर, तो सी एस थ्री जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे उनका स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम चलते हैं सोहार्स रिप्रेजेंटेशन। सोहा प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सोहार्स, सोहार्स रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन हमारा हेडिंग है। चलो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पहले मैंने स्केलेटन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने पहले तो अभी बताया था आपको कि न्यूमान तो कैसा है हमारा, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन, आप फ्रंट से देखेंगे जैसे अभी देख रहे हैं, सुन मैं ऐसे फ्रंट से ऐसे एकदम सामने से फेस टू फेस। लेकिन अगर बात करते हैं सोहार्स की, तो सोहार्स में क्या होगा, हम साइड से देखेंगे ऐसे, साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया, अब हम साइड व्यू देखेंगे इसका, तो साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है। 3D को अब कैसे 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, सोहार्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस टाइप कर दिया, कुछ नहीं करना है। अब हमें Y ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, Y, क्या Y, कैसा, ठीक है, Y, इंग्लिश का Y जो होता है, इट, ऐसे हम क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इट हो गया। तो ये क्या है, यही तो बनाया मैंने, क्या बनाया, ये देखिए ध्यान से देखिए, जो मैंने पकड़ रखा भी यही तो बनाया सामने, समझा है। अब सुनिए, जब ये दोनों बॉन्ड जो मैंने बना रखा है, ये और ये बॉन्ड कौन सा, ये और ये, जब ये और ये एक साइड होते हैं तो अब इसे क्या बोलेंगे, एक्लिप्स। और जब ये एक दूसरे के कैसे हों, बिल्कुल एंटी हो, तो क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया आपका ये। अब एग्जांपल लेते हैं भाई, हमने स्केलेटन तो समझ लिया कि ऐसा ऐसा होता है कि जो वाई है ऐसे लगाना देंगे इसको, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कैसे हो गया ये स्ट्रक्चर, देखिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल गाय का लेते हैं, एथेन पहले सिंपल लेते हैं, कैसे होता है CH3 CH3, दो कार्बन है, ध्यान रखिएगा ये जो है ये कार्बन है, ये जो पॉइंट है आपके, ये कार्बन है, कितने कार्बन हो गए, दो। एथेन में कितने कार्बन है, दो, दोनों के दोनों ले लिए हमने,
अब क्या बचे, हाइड्रोजन बचे, हाइड्रोजन लगा दीजिए सिंक पर। ये हमने क्या लगा दिया, इसमें हाइड्रोजन एटम्स शो कर दिए हैं। जब बॉन्ड एक दूसरे के साइड में हो ऐसे, ये देखिए ये नीचे की तरफ है, ये कैप को देखो आप, नीचे ये भी नीचे, सेम साइड में एक्लिप्स्ड। जब ये अपोजिट साइड में होंगे ऐसे, ध्यान से देखिए ऐसे, ये ऊपर की तरफ कैप, ये नीचे की तरफ, ये पैन ऊपर, ये नीचे, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया है। हाइड्रोजन हमने मेंशन कर ही दिए हैं। अब आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल, एग्जांपल में प्रोपेन ले लेते हैं एक बार, ठीक। प्रोपेन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बच्चों का खेल ही है। आइए एग्जांपल नंबर टू, प्रोपेन CH3, CH2, CH3, कितने कार्बन है, तीन। अब ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे हमेशा, तीसरा कार्बन लगाना है तो आपकी इच्छा, आप कहीं पे भी लगाइए, जहां आपकी इच्छा है वहां लगा दीजिए। आपने सोचा कि आपने लगा दिया, यहां लगा दीजिए, यहां पे, ये प्रोपेन का एक्लिप्स हो गया सोहार्स में, और ये क्या हो गया, प्रोपेन का सोहार्स स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें, क्या दिक्कत, चलें आगे। ओके, अब इसका यूज देखिए, साइक्लिक फॉर्म में कैसे यूज होता है इसका, तो यूज देखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इनको तो हटा देते हैं, एग्जांपल हो गया हमारे। अब हम इसका यूज देखते हैं कि वास्तव में इनकी यूज कहाँ, स्टैगर्ड फॉर्म जो है सोहार्स का वो कहाँ यूज में आया। तो एक मैं क्या करता हूँ, ये बनाता हूँ सबसे पहले, क्या है ये, बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन, जैसे साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसका मैं कुछ चेयर फॉर्म बनाना है, तो चेयर फॉर्म बनाते हैं। चेयर फॉर्म बनाने के लिए देखिए कैसे, कई बार प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करेंगे, सीखेंगे चेयर फॉर्म कैसे बनाना है इसका, जैसे आगे और भी डिस्कस करेंगे हम। दो लाइन आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे इनको, ये चेयर फॉर्म बन गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेयर फॉर्म बन गया, चलें आगे, ये जो मैंने बनाया है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम सिर्फ ये वाला पोर्शन अलग कर लें, तो देखिए मैं इसको अलग करके यहां बना रहा हूं साइड में, यही तो है। और ये क्या है, सोहर्स। ओके, और कैसा है, स्टेगर्ड या एक्लिप्स्ड, ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बन के नीचे एक कार्बन के ऊपर, तो क्या हो गया, ये स्टैगर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है वो सोहर्स का कैसा है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलो, ये तो इसके क्या हुए, यूजेस हो गए। तो आज की क्लास जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या देखा हमने, न्यूमान देखा, और क्या देखा, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन हमने इसमें देखा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।